जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और राज्य परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और जनता दल ऑफिस के अंदर की तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर मौजूद हैं। जेडीयू के तमाम नेता, पूरे प्रदेश के नेता यहां पहुंचे हुए हैं। कई राज्यों के जो प्रतिनिधि है वो भी पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद यहाँ मंच पर मौजूद हैं। उनके बगल में ललन सिंह हैं, पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं, बिहार के जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं, और नीतीश कुमार के साथ पूरे प्रदेश से जो लोग आए हुए हैं वो सीधे तौर पर बैठे हुए हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम जो पार्टी नेताओं के साथ बैठे हुए हैं। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे, यहाँ पे जो नारा लगा था वो नारा यह था कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तमाम जेडीयू के जो पदाधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं, और पीछे की तस्वीर की हम चर्चा करते हैं। देखिए किस तरीके से जो पोस्टर लगा हुआ है, जनता दल यूनाइटेड का पोस्टर है, और कई जो लोग हैं उनकी तस्वीरें हैं, और सीधे तौर पे मंत्री जी हैं, और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से, और इधर तमाम जो प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए जगह है। उधर जो है दूसरी तरफ जो महिला सदस्य हैं उनकी जगह है। तो तमाम प्रतिनिधियों के बीच ये बैठक है, और देखिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, और सभी प्रतिनिधि यहाँ पे मंच पे मौजूद हैं, और यहीं से 2024 के लिए नीतीश कुमार के चेहरे का नाम पर मुहर लगनी है, इसकी तैयारी की गई है। और आज इस तैयारी को जनता दल यूनाइटेड आधिकारिक तौर पर ऐलान करेगी। कई प्रस्ताव है इस बैठक में, उस प्रस्ताव को पढ़ना होगा, और नीतीश कुमार को 2024 की लड़ाई के लिए तैयार होने के जो हैं वो समर्थन जनता दल यूनाइटेड अपने नेता को देगी। और इसी के बीच तमाम जो पार्टी के सदस्य होंगे वो नीतीश कुमार के नाम पर अपनी मुहर लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि यह कहा जा रहा था कि आज जो एजेंडे हैं उन तमाम एजेंडों पर मुहर लगानी है, जिसमें नीतीश कुमार को प्रदेश से निकलकर अब देश के स्तर पर राष्ट्रीय नेता बनाने की जो कोशिश है वो जनता दल यूनाइटेड की है, वो कर रही है। आरजेडी भी इसके समर्थन में, और तमाम जो नेता हैं उन्होंने पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार सीधे तौर पर अब देश में 2024 की लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री पद के जो चेहरे के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर जनता दल यूनाइटेड उनके नाम को आगे कर रही है। हालांकि अब तक जेडीयू के जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात से इनकार करते रहे हैं, लेकिन आज की बैठक बेहद अहम हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार ने यह बैठक बुलाई थी जनता दल यूनाइटेड की, और उसके ठीक पहले बीजेपी ने उनके मणिपुर में जो विधायक थे उनको तोड़ लिया है, और अब नीतीश कुमार सीधे तौर पर यहाँ बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में भी जो नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ वो साफ दिखेगी, और नीतीश कुमार के साथ जो जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता हैं वो आज मुहर लगा देंगे कि नीतीश कुमार अब सीधे 2024 में पार्टी की तरफ से चेहरा होंगे, जो विपक्षी एकता के लिए गोलबंदी करेंगे, विपक्ष को एकजुट करेंगे, और साथ ही साथ बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक चेहरा भी होंगे। हालांकि जेडीयू की तैयारी देख के साफ लग रही है कि आज के एजेंडे में इस बात को प्राथमिकता रखा गया है कि बिहार में महागठबंधन के साथ नई सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल हुए, उसके बाद से यह कैस लगाए जा रहे थे कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य परिषद, राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होगी उसमें एजेंडा लाया जाएगा, और आज उसी एजेंडे पर मुहर लगनी है, जिससे कि नीतीश कुमार अब 2024 के लिए नाम तय कर लिए जाएंगे जेडीयू की तरफ से, और अब उसकी अगुवाई नीतीश कुमार करेंगे, और जेडीयू पूरे देश के अंदर घूम घूम कर नीतीश कुमार की ब्रांडिंग करेगी, और नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं को एकजुट करेंगे। देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में जो कर्पूरी सभागार है उसके अंदर बैठक की तस्वीरें हैं।